हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टार होलिस्टिक हीलिंग 111 में। मैं हूं मोनिका जैन, सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर, रेकी एंड क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर। और आज का टॉपिक मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए कि अभी इस वक्त आपके बारे में कौन सोच रहा है। अगर आप कंफ्यूज है, आप जानना चाहते हैं कि कौन ऐसा पर्सन है जो मुझे मिस कर रहा है, मेरे बारे में सोच रहा है, तो वो पर्सन आज की इस टैरो रीडिंग के थ्रू आप जान सकते हैं। गाइज, अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे जो आपके बारे में सोच रहे हैं उनके इनिशियल से या नंबर से। ये आपका इनिशियल भी हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है, और नंबर, डेट ऑफ बर्थ नंबर भी हम आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी गाइज कि ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगी। स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर का इनिशियल या नंबर। ओके, इट नंबर आपके या आपकी जो भी सोच रहे हैं आपके बारे में उसका डेट ऑफ बर्थ का नंबर हो सकता है ई टी 2 नंबर, 6 नंबर, 7 यू डब्ल्यू एक्स एच 1 सी जे एंड 9। कुछ और भी निकालते हैं हम। ओके, ओ 2 डी। सिक्स हो गया है, 666 यहाँ पे बन रहा है गाइस। तो डेफिनेटली जिस जो भी आपके बारे में सोच रहा है वो बहुत ही लविंग एनर्जी है, आपसे बहुत प्यार करती है और आपकी लाइफ में हार्मनी लेकर आने वाली है, खुशियां लेकर आने वाली है। पी एफ एंड लास्ट, ओके ये नंबर है, लास्ट है एम। एक बार फिर से आप चेक कर सकते हैं अगर आपका या आपके बारे में जो सोच रहे हैं उनका डेट ऑफ बर्थ 6682671192 से स्टार्ट होता है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है। और आपके पार्टनर का नाम ई टी यू डब्ल्यू एच एक्स सी जे ओ डी पी एफ एम से स्टार्ट हो सकता है, आपका नाम भी इससे स्टार्ट हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं एनर्जी क्या कहती है, जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं वो कौन है। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए अभी कौन सोच रहा है, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए अभी कौन सोच रहा है। एट ऑफ स्वॉर्ड, वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। 666 की एनर्जी भी यहाँ पर थी और उसके साथ 2 ऑफ कप्स, पेंटाकल्स एनर्जी भी है यहाँ पर, द मून की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड। ओके गाइज, यहाँ पर स्वॉर्ड एनर्जी भी है, पेंटाकल्स एनर्जी भी है। मिक्स जोडियक साइन अगर मैं बताना चाहूँ तो वो पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है या फिर लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी हो सकता है। द मून की एनर्जी है तो ये मून को रिप्रेजेंट करता है। कप्स कार्ड यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस को भी दिखा रहा है, बट हम ये सारे ही साइन हो गए हैं लेकिन मुझे स्ट्रॉन्गली यहाँ पर जो साइन दिख रहा है वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस दिख रहा है, तो उस पर आप ये रीडिंग चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट कार्ड से। तो जो आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त वो थोड़ा सा अभी परेशान हो सकते हैं, हो सकता है कि अभी
उनके आसपास के लोगों से उन्हें जो सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, वो अपने घर से थोड़ा दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा परेशान हो, अपने जॉब में परेशान हो और कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको कैसे प्रपोज करें, आपके पास कैसे आए और अपनी कौन सी क्वालिटीज से आपको इम्प्रेस करें, तो ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ कप्स का आया है, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत लविंग एनर्जी है, केयरिंग है और बहुत बैलेंस सिचुएशन है। उनके इमोशंस मतलब आपके साथ पूरी तरह से कनेक्ट है। सेवन ऑफ पेंटाकल्स देखकर यहाँ पे लग रहा है कि अगर वो अपने करियर और जॉब को लेकर है तो वो बहुत ज़्यादा अभी सोच रहे हैं कि कितना मैं अर्न करूँ कि मैं मतलब कि अपने लाइफ में सेटल हो जाऊँ, अपने पार्टनर के साथ सेटल हो जाऊँ, तो वो अभी उस पर पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो आपका और वो पर्सन जो है वो आपको तो वो अपना मानते ही हैं, आपके साथ तो वो पूरी लाइफ रहना ही चाहते हैं, उनका मीन्स वो थोड़ा फ्लर्टिंग एनर्जी भी हो सकती है। और स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि वो अपने फादर से बहुत कनेक्ट हो सकते हैं और उन्हीं के ही कहने से वो आपसे शादी करने वाले हैं, नहीं तो वो एक्शन नहीं ले पाएंगे। एंड थ्री ऑफ पेंटाकल्स भी मुझे यहाँ दिखाता है कि वो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, डेफिनेटली वो अपने जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर वो कहीं और रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ वो अभी इस वक्त नहीं रह रहे हैं। द मून कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान है, उनका जो मन है वो बहुत ज़्यादा चंचल है और ये कहूँ कि बहुत जल्दी खुश भी होते हैं तो बहुत जल्दी दुखी भी हो जाते हैं, किसी भी बात को लेकर बहुत जल्दी परेशान भी हो जाते हैं। तो अगर आप उनसे कुछ भी थोड़ा सा भी वो फील करते हैं कि आप उनसे दूर हैं तो वो बहुत जल्दी दुखी भी हो जाते हैं। वो आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट है क्योंकि टू ऑफ कप्स के नीचे द मून है, तो वो डायरेक्टली दिख रहा है कि वो चाहते हैं आपको आपकी लाइफ में। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि कोई भी ऐसे दो पर्सन हो सकते हैं उनकी लाइफ में जो उनको, जिनकी वजह से वो आपके तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हो सकता है कोई भी दो पर्सन ऐसे हो जिसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की भी हो और उन्होंने ये दिखा रखा हो कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं या आपको बोला हो कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। तो ऐसे कोई भी दो पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रखी है आप दोनों के बीच में, और या फिर वो दोनों दो पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो कि आप दोनों को मिलने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से वो परेशान है। ओवरऑल फोर ऑफ वॉन्ड कार्ड यहाँ पर मैरिज कार्ड है जो कि दिखाता है कि 100% उनके मन में है कि आप ही की शादी उनसे हो, आप उनकी लाइफ पार्टनर बने हमेशा के लिए। टेन ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं, या फिर आपको ये एनर्जी मुझे आपकी भी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपको धोखा दे रहा है। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे आप दोनों के बीच में दिख रही है 100%। या तो किसी ने पर्सन ने क्रिएट की है या फिर ट्रस्ट इश्यूज की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइज ये था आपके जो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं उनके लिए। उनका नेचर थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि वो बहुत इमोशनल हो, बहुत जल्दी अपनी बात ना कहें, अपने मन में क्या चल रहा है वो आपको नहीं बताएंगे, उनके इमोशंस कैसे हैं वो नहीं दिखाएंगे, वो सिर्फ आपके सामने आपसे जब भी बात करेंगे तो आपके बीच वो कुछ झगड़े वाली बात या फिर गुस्से वाली बात ऐसे ही तरह से आपसे बात करते हैं क्योंकि वो अपना प्यार नहीं दिखा पा रहे हैं, तो उसका गुस्सा वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो गुस्से में निकलता है। तो अगर कोई भी पर्सन ऐसा है आपके आसपास तो वो आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपसे शादी करना चाहता है, आपको अपना लाइफ पार्टनर समझता है। वो बहुत कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है, बट कहीं ना कहीं वो मन से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी है। और थ्री ऑफ पेंटाकल्स और फोर ऑफ वॉन्ड दोनों कार्ड मुझे यहाँ दिखाते हैं कि वो मतलब आपको अपनी लाइफ में ऐसा मानते हैं कि यस ये मेरी लाइफ में है ही है, स्टेबिलिटी चाहते हैं वो अपनी लाइफ में आपके साथ। कुछ और कार्ड्स निकालेंगे जिसमें हम देखेंगे कि अभी आपको कौन सोच रहा है, आपको अभी कौन सोच रहा है।
वाओ, प्रोजेक्शन सेवन ऑफ कप्स कार्ड यहाँ पर आया है। ख्याली पुलाव, वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप उनके साथ बहुत खुश हैं, वो सपने देख रहे हैं आपके साथ। रिसेप्टिविटी, वाह, वो आपको बहुत ही लविंग एनर्जी समझते हैं, वो मानते हैं कि आप ही उनकी लाइफ पार्टनर बनने वाली हैं। अभी आपके बारे में कौन सोच रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्सन आपके बारे में अभी सोच रहे हैं वो आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं। हो सकता है थोड़ा कुछ टाइम तक ब्रेकअप रहता है और फिर वापस सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर ब्रेकअप होता है, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो अगर ऐसा पर्सन कोई आपकी लाइफ में है तो 100% वो परमानेंट ही आने वाला है, वो परमानेंट ही रहने वाला है। बट ये जो सिचुएशन है उसको आपको हैंडल करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। वो पर्सन जो है वो अपनी बात को शो ऑफ नहीं करेगा, वो दिखाएगा ही नहीं कि उसके मन में अभी क्या चल रहा है, उसकी फीलिंग्स कैसी है, वो क्या सोचता है। वो उस मतलब अपने मन में उसके रहता है, बट वो ऊपर से खुश रहता है और आप ऊपर से दुखी है, लेकिन आप अंदर ही अंदर खुश है कि वो इंसान आपकी लाइफ में है। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है तो डेफिनेटली वो ही आपको बहुत पसंद करता है और वो ही आपके बारे में बहुत सोच रहा है। नेक्स्ट मैं देखती हूँ कि आप दोनों का फ्यूचर एक साथ कैसा है। ओके, अगर आप दोनों की बातचीत होती है, अगर आप दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं तो आप दोनों का फ्यूचर कैसा रहने वाला है। सिर्फ दो कार्ड मैं यहाँ पर लेना चाहती हूँ, प्लीज कार्ड्स, दो कार्ड्स चाहिए मुझे यहाँ पर। इनर वॉइस, गाइज यहाँ पर इनर वॉइस कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है स्ट्रॉन्गली कि आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप दोनों अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, आप दोनों के रिलीजियंस अलग अलग हैं, आप दोनों बहुत ही अलग अलग फैमिली से हैं, बिल्कुल अपोजिट फैमिली से आप दोनों हैं, तो थोड़ा मिलना मुश्किल है, थोड़ा समझना चाहिए, क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है आप दोनों के माइंड में कि अगर आप दोनों इन फ्यूचर साथ रहते हैं तो क्या आप इस रिश्ते को निभा पाएंगे, क्या आप फैमिली को एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना, और आपका फ्यूचर भी यही बता रहा है कि बाद में चीज़ों को परेशानी से सॉर्ट आउट करें, उससे बेटर है कि पहले ही इस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को देख कर, बैलेंस करके और फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एंजल आपको क्या मैसेज दे रही है। एंजल मैसेजेस जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आर्कएंजल राफियल हीलिंग बोल रही है, मीडियमशिप, चक्र, शील्ड योरसेल्फ। ओके गाइज, आर्कएंजल रैफियल यहाँ पर हीलिंग की बात कर रही है, और हीलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हील करना ही सब कुछ है, नहीं, हीलिंग का मतलब ये है कि थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो वक्त पे छोड़ दे तो बेटर है। तो आपको भी यूनिवर्स को कह देना चाहिए एक बार कि जो मेरे लिए बेस्ट पार्टनर हो वो मेरी लाइफ में आए, जो मेरे लिए बेस्ट हो वो मेरी लाइफ में आए, और उसको भूल जाए कह के, और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखे, डिवाइन पे ट्रस्ट रखे, जो होगा वो आपके साथ बेस्ट होगा। नेक्स्ट मीडियमशिप कार्ड भी यही कहता है कि हम सिर्फ एक माध्यम है, जो हमारे लिए लिखा हुआ है वो ऑलरेडी होना ही है, तो क्यों ना डिवाइन को ही सौंप दिया जाए। तो भगवान पे ट्रस्ट रखे, अपने दिल पे हाथ रखे और बोल दे कि भगवान मुझे आप पे पूरा विश्वास है, जो भी आप मेरे लिए डिसीजन लेंगे वो बेस्ट होगा, और उसी के बाद ही एक नई जीवन की शुरुआत करें। ईयर चक्रा कहता है कि अगर कोई भी तरह का कन्फ्यूज़न है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, तो ये बहुत ही अच्छी थेरेपी है, जो कि आर्कएंजल सेंडर फोन ये बताती है कि अगर कुछ समझ में ना आए तो अपना सवाल सोचें,
तीन बार और कान में कोई भी अच्छा म्यूजिक बिना सोचे समझे गाना लगाएं, डेफिनेटली उस म्यूजिक में आपको आपका रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। या फिर किसी मंदिर में जाके बैठ जाएं, वहां जो भी भजन चले उसमें आपका रिप्लाई आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ईयर चक्र यहाँ पर ये दिखा रहा है कि किसी भी थ्रू साउंड म्यूजिक वर्ड के थ्रू आपको आपकी किसी भी प्रेयर के थ्रू आपको आपका मैसेज मिल जाएगा। बस डिवाइन को सवाल देने की बहुत जरूरत है। शील्ड योर सेल्फ, तो सबसे पहले अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग सुरक्षा कवच में डालना चाहिए ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकें और कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको छू ना सके। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।